हेलो नमस्कार, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट सीरीज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, उसका कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसमें हम पेमेंट गेटवे पेटीएम पेमेंट गेटवे अपने कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वो भी हम इसके अंदर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इतने सारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे जो पहले से हमारे इम्पोर्ट हो गए हैं डेमो थीम के साथ। तो यहाँ पर जैसे हम एडिट करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में आपको पता ही है, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। एसईओ का भी हमने आपको बता दिया है कि एसईओ कैसे करना है आपका, जो सिंपल पोस्ट और पेज में होता है उसी तरह आप इसमें एसईओ कर सकते हैं। अब सिंपल प्रोडक्ट में आप जैसे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट फाइल है, कोई डाउनलोडेबल फाइल है, सॉफ्टवेयर है, तो उसकी लिंक भी आप डाल सकते हैं। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा तो उसके पास उसका एक्सेस चला जाएगा लिंक का, और कस्टमर सीधे डाउनलोड कर सकता है। तो हाँ, ये भी आसान है दोस्तों। वैसे हमारा ये प्रोडक्ट तो डाउनलोडेबल नहीं है, ये फिज़िकल प्रोडक्ट है, तो इसमें आप एसक्यू कोड है वो आप डाल सकते, कोई भी अपने हिसाब से क्रिएट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं एसक्यू कोड, जो उसकी प्रोडक्ट की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो होती है मेनली। अब स्टॉक भी आप देख सकते हैं, इन स्टॉक आप रख सकते हैं। अगर आपका इन्वेंट्री मैनेज करना है तो आप इसके हिसाब से इन्वेंट्री भी ऐड कर सकते हो। लिंक प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट लिंक करना चाहते हो आप सेल डाउन सेल के लिए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट होता है मेनली दोस्तों ग्रुप प्रोडक्ट के लिए, वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कलर हो गया, वेट हो गया, जिस कलर में रेड ब्लैक ब्लू, तो जैसे हम कलर का वेरिएबल ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। रेड, फिर एक खड़ी पाई बोलते हैं क्या है उसको, वो डालेंगे इसके अंदर, निशान होता है मार्को वाला, फिर ब्लू ब्लैक जो भी हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो इस तरह इसके प्रोडक्ट के भी वेरिएबल बन जाएंगे, तो उस हिसाब से कस्टमर चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। और सेव क्लिक कर देंगे, सेव एट्रीब्यूट पे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, अभी हम इस पर करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक, और वेरिएशन पर क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट पे। कलर पे वापस क्लिक करेंगे और ये आपको दिखेगा यूज फॉर वेरिएशन, इस पर हम क्लिक करेंगे ताकि हमारे वेरिएशन में भी वो ऐड हो जाए। और यहाँ हम वेरिएशन पर क्लिक करेंगे और या क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स और गो पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे थ्री वेरिएशन है वो अलग अलग ऐड हो गए हैं। अभी इसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, अलग से फ़ोटो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, प्राइस है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो रेगुलर प्राइस है वो है, और सेल प्राइस जिसमें आप बेचना चाहते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह डिस्काउंट का भी ऑप्शन उसमें शो होने लग जाएगा। इसमें आपको व्यू करके बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो रेड कलर इसमें शो हो रहा है। अभी वो दो कलर क्यों नहीं ऐड हुए है तो उसका हम देखते हैं, एक सेकेंड। ब्लू, अच्छा हमने प्राइस इसमें रेगुलर प्राइस डाली नहीं है तो वो हमें इसमें डालनी है। इसको रिफ्रेश कर देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आ गया है वो ऑप्शन। तो आप जो भी इसको सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं, कस्टमर इसको सीधे ही परचेज़ कर सकता है।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेज है ये अबाउट वाला जो उसके साथ ही बना था, इसको हम एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का पेज है, इसको भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने होम पेज का कस्टमाइजेशन किया था, उसी तरह इसका भी हम आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कोई भी इसमें बड़ा नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, आसानी से आप इसको सीख कर आसानी से कर सकते हो। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, सही, आपको ग्रुप फोटो डालना चाहो तो वो भी इसमें डाल सकते हो। आप इसमें जो टेक्स्ट है वो भी आप इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नंबर है उसको भी आप सेट कर सकते हो, ये कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे ख़त्म हो। ऐसे ये फोटो है तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं, वो दूसरी फोटो तो ये हो गई है। आप अपने ऑफिस से रिलेटेड या अपने कोई शॉप से रिलेटेड या अपने इन्वेंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर सकते हो, या पे उससे रिलेटेड फ़ोटो डाल सकते हो ताकि इससे ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बढ़े। क्योंकि पर्सनल वेबसाइट के अंदर आपको सिर्फ यही है कि आपको ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है अगर मार्केट में टिके रहना है तो। अब इसमें हम जो पेटीएम का पेमेंट मर्चेंट अकाउंट अगर आपके पास है तो उससे आप सीधे इससे कनेक्ट करके पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे पेटीएम, तो एक पेटीएम का ऑफिशियल ऐप है पेमेंट के लिए, तो वो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे वूकॉमर्स में, इस वर्डप्रेस में। जैसे पेटीएम पेमेंट गेटवे है, पेटीएम से ही मिला हुआ है तो इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। और इसमें जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, 3 से 4 इन्फॉर्मेशन, वो आपको पेटीएम के डेवलपर अकाउंट में मिल जाती है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसका सेटअप कैसे करना है। अभी आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, वो कॉमर्स में सेटिंग में जाएंगे और या पेमेंट में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं पेटीएम आ गया है। अब यहाँ पे हमको उसको ओपन करना है, इसमें सेटअप पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देंगे। और या हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो ये मैं पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में मैं लॉगिन हो गया हूँ, या आप डेवलपर सेटिंग में जाएंगे नीचे, और या जो आपको दिखे दे रही एपीआई की इस पर क्लिक करेंगे, या प्रोडक्शन जो है एपीआई इस पर हम क्लिक करेंगे। और जो ये पेमेंट लेने के लिए मेनली ये यूज़ होंगे सारी, तो वो हम सारी जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो ऐड कर देंगे कॉपी पेस्ट करके। और आज अच्छी तरह से कॉपी पेस्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड मिस कर दिया इसके अंदर कॉपी पेस्ट करने में तो पेमेंट डिक्लाइन हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको अच्छी तरह से आप फील करिएगा। और पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट, बिजनेस मर्चेंट अकाउंट होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है नॉर्मल पेटीएम अकाउंट है तो उससे आप ये पेमेंट नहीं कलेक्ट कर सकते, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप पेटीएम के ईमेल आईडी पर आप इसको मेल कर सकते हो। 2 से 3 दिन की प्रोसेस है जिसमें ये आपका जो नॉर्मल अकाउंट है वो मर्चेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो पेमेंट गेटवे है, जैसे कि हमारा ये सक्सेस हो गया है, इसको सेव कर लिया हमने। अब जैसे अब अगर आपका फेसबुक के थ्रू ऐड चला है तो आप ये फेसबुक माई पिक्सल आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्लगइन, और इसके अंदर आप अपनी पिक्सल आईडी डाल दीजिएगा ताकि आप जो ऐड है वो अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हो सके और अच्छी तरह से ऐड रन हो सके। ये ट्रैक करता है दोस्तों जो पिक्सल होता है हमारी वेबसाइट पे, कौन कौन से फेसबुक के थ्रू डाटा आ रहा है, कौन कौन से इंस्टाग्राम के थ्रू डाटा आ रहा है, जो यूजर्स आ रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करता है पिक्सल, और फिर वो फेसबुक को आगे सेंड करता है फेसबुक ऐड को। तो इस तरह का ये कुछ वर्क होता है। तो इसमें आपको पिक्सल आईडी सेट करनी होती है अपनी। इससे रिलेटेड हमारा कंप्लीट वीडियो एक दिया हुआ है हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम एड सीरीज़ पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो अगर आपको ये नहीं आता है तो। इसमें जो ऊपर आपको दिखे दे वो सेटअप करके आपको सिर्फ सेव करना होता है।
यहाँ पे ऐड आईडी आपको डालनी होती है, पिक्सल आईडी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।